हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग SUAT 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें जिसे बोलते हैं हम शारदा यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट। इसकी हम एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एडमिट कार्ड, रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको google.com ओपन करना है और वहाँ पर सर्च करना है IAS पेपर, और उसके आगे आपको लिखना है SUAT 2021। IAS पेपर ही ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे SUAT से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आप इसे सर्च करेंगे, जैसे ही आपने सर्च किया आपको यहाँ पे दिख जाएगा IASpaper.net/SUAT। इसे ओपन करेंगे, तो जैसे ही आपने ओपन किया आपको पहला रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर, शारदा यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट। ओके, तो एप्लीकेशन फॉर्म, डेट्स, पैटर्न, सिलेबस वगैरह हर एक चीज़ के में दिया हुआ है इसके अंदर, तो इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग। तो SUAT जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो कंडक्ट होता है फर्स्ट वीक ऑफ जून 2021 में। SUAT कंडक्ट किया जाता है जिसके थ्रू आप एडमिशन लेते हैं फार्मेसी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और कोर्सेज के अंदर। SUAT का फुल फॉर्म जो होता है वो शारदा यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट है, जो साल में एक बार ऑर्गेनाइज होता है शारदा यूनिवर्सिटी द्वारा। ओके, ये एक यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। जो कॉन्टैक्ट फॉर्म आया है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा भर दें। अपना नाम लिखिए, आपका ईमेल एड्रेस लिखिए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए, आप कौन से शहर से हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप हैदराबाद से हैं तो हैदराबाद लिखेंगे। आप कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड है, जैसे आप बीटेक में इंटरेस्टेड है तो बीटेक लिखेंगे। और यहाँ पे आप कौन से, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे आपने टेंथ पास किया है, ट्वेल्थ पास किया, जो भी आपने पास किया, जैसे ट्वेल्थ पास है तो ट्वेल्थ पास करके गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना है। गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करने से क्या होगा, आपको SMS और ईमेल आ जाएगा और कॉल भी आएगा, एडमिशन से रिलेटेड सारी हेल्प मिलेगी आपको भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो स्टूडेंट जो है वो SUAT का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे, जिसके थ्रू आप अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन ले पाएंगे। कैंडिडेट जो है एडमिशन लेंगे वो BCA, BTEC, MCA, MBA कोर्सेज में एडमिशन लेंगे। स्टूडेंट्स जो है SUAT के अलावा अगर नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपने दिया है, जैसे क्लैट, JEE मेन, UPSEE और नाटा, कैट, जैट, मैट, तो ये सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी एक्सेप्टेड हैं। यहाँ पे बता दें कि इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं SUAT 2021 के इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सिलेबस और ये काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे शारदा यूनिवर्सिटी की हाईलाइट से कुछ, तो SUAT का फुल फॉर्म है शारदा यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट, एग्जाम टाइप UG PG लेवल का है, नेशनल और स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कोर्सेज ऑफर इसमें सारे के सारे UG PG और PhD कोर्सेज ऑफर होते हैं। कंडक्टिंग बॉडीज की शारदा यूनिवर्सिटी, एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होता है, वहीं एग्जाम मोड भी ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन मतलब CBT मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एग्जामिनेशन का डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसकी वो शारदा यूनिवर्सिटी है। हेल्पलाइन की बात करें तो 0120457 444 है। ईमेल आईडी की बात करें तो admission@sharda.ac.in है। यहाँ पे ये चीज़ है। अब बात कर लेते हैं SUAT 2021 की इंपॉर्टेंट डेट्स। SUAT 2021 की इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता दूं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे कंप्लीटली चेक करिए। कई बार ऐसा होता है कि एप्लीकेशन आके चला भी जाता है, स्टूडेंट को मालूम ही नहीं चलता कि एप्लीकेशन फॉर्म आया है, तो आपको कोई भी डेट आप मिस ना करें उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ओपन करके इसको बुकमार्क कर लीजिए, बुकमार्क करके डन कर देना और उसके बाद रेगुलरली आपको चेक करना है, हर दिन में एक बार ओपन करना है और चेक करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है डेट्स आके चली जाएंगे आपको मालूम ना चले, इससे बेहतर है कि एक दिन में 30 सेकंड या 10 सेकंड लगता है चेक करने के लिए। 10 सेकंड आपका काफ़ी वैल्यूएबल है अगले 4 साल 3 साल जो भी आप ग्रेजुएशन PG या 2 साल कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2021, वहीं लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन किया लास्ट वीक ऑफ मई 2021। स्लॉट बुकिंग, एडमिट कार्ड रिलीज होगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2021। SUAT का एग्जाम डेट जो है फर्स्ट वीक ऑफ जून 2021। रिजल्ट डिक्लेयर होगा सेकंड वीक ऑफ जून 2021 और काउंसलिंग स्टार्ट होगा लास्ट वीक ऑफ जून 2021। SUAT 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म भी सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, सारे स्टूडेंट भर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भर सकते हैं। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप गाइड है कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, यानी हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीज़ें आप लोग बताता हूँ। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2020 से आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं और लास्ट आप भर सकते हैं लास्ट वीक ऑफ मई 2021। एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो कुछ स्टेप से गुजरना होगा, जैसे रजिस्ट्रेशन फिल करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करना होगा, डॉक्यूमेंट्स पे करना होगा, फीस। स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त फोटोग्राफ और सिग्नेचर जरूर अपलोड करना है आपको। एप्लीकेशन जो भी ऑफलाइन भर रहे हैं अपने भरने के बाद आपको यूनिवर्सिटी के कैंपस में आपको सबमिट करना है वो एप्लीकेशन फॉर्म। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उसका कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट जरूर निकालें, जिसे आप फ्यूचर में यूज करेंगे रेफरेंस के तौर पर। SUAT का जो एप्लीकेशन फी है वो अलग अलग रहता है। एप्लीकेशन फी जो है वो सारे कैटेगरी के लिए 1200 रुपीज़ है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से एप्लीकेशन फी भर सकते हैं। एक बार आपने एप्लीकेशन फी भर दिया तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन एप्लीकेशन फी भर रहे हैं तो डिमांड ड्राफ्ट से भरना पड़ेगा, फेवर ऑफ शारदा यूनिवर्सिटी, पेबल एट ग्रेटर नोएडा। ओके, एड्रेस यहाँ पे दिया है, एडमिशन से शारदा यूनिवर्सिटी, प्लॉट नंबर 32-34, नॉलेज पार्क 3, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। ओके, अब बात कर लेते हैं हम लोग SUAT 2021 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। SUAT 2021 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी इंपॉर्टेंट है, सारे स्टूडेंट्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मालूम होना चाहिए।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स अगर एलिजिबल हैं तो ही भरे। कई बार ऐसा होता है कि आप एलिजिबल नहीं होते फिर भी एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं और फिर आपका लेटर स्टेज में एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एमबीए कोर्स की एलिजिबिलिटी की, तो एमबीए की जो एलिजिबिलिटी है आपके बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। मार्किंग स्कीम की बात करते हैं 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए, स्कोर कार्ड आपके पास मैट या कैट का एग्जाम स्कोर कार्ड अगर है आप तो SUAT के एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने से आप एग्जेम्प्टेड है, अगर नहीं है तो आपको एमबीए एंट्रेंस के लिए एमबीए एडमिशन के लिए SUAT का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। बीटेक कोर्स की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपके पास HSC इंटरमीडिएट 12th या 12th पास या मतलब क्लास लेवल का होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। लिमिट 17 साल मिनिमम होना चाहिए आपके पास। 31 दिसंबर 2021 मैंडेटरी सब्जेक्ट के तौर पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में। मार्क्स की बात करें तो 60% मार्क्स चाहिए आपका 10th स्टैंडर्ड में, वहीं 70% मार्क्स चाहिए 12th स्टैंडर्ड में, तभी आप एलिजिबल है एडमिशन के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं पीजी कोर्स के लिए। पीजी कोर्स के लिए क्वालिफिकेशन आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप ग्रेजुएशन में अपीयर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यही चीज अप्लाई रूल होता है एमबीए और बीटेक के लिए। अगर आप 12th में अपीयर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। SUAT 2021 के एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम पैटर्न के बारे में मालूम चाहिए। एग्जाम पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब मैं बता दूँ कि एग्जाम पैटर्न इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सारे स्टूडेंट जो है वो चेक कर पाएंगे एग्जामिनेशन एग्जाम पैटर्न। एक बार एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गया उसके बाद आप एग्जाम पैटर्न चेक कर पाएंगे। एग्जाम पैटर्न जो होता है वो आपको हेल्प करता है स्ट्रेटजी बनाने में कि आप कैसे प्रिपेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स पाएंगे। एग्जामिनेशन मोड ऑनलाइन होता है, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। मल्टीपल चॉइस चॉइस क्वेश्चन होते हैं यानी MCQs। एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होता है 1 आवर 30 मिनट्स यानी करीबन 90 मिनट्स का ड्यूरेशन। नेगेटिव मार्किंग इसमें कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं SUAT के सिलेबस। सिलेबस देखिए बेसिकली 11th और 12th लेवल पे होता है यूजी कोर्स के लिए, वहीं पीजी के लिए आपका SUAT का सिलेबस ग्रेजुएशन लेवल पे होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ओपन करिए, कंप्लीट सिलेबस आप चेक कर पाएंगे। सिलेबस जो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश के ऊपर होता है। SUAT का सिलेबस पीजी कोर्स के लिए आपका अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जैसे जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें होती है। SUAT 2021 के प्रिपरेशन टिप्स की बात बता दूँ आपको, प्रिपरेशन टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। SUAT 2021 की प्रिपरेशन टिप्स आपको हेल्प करेगी कि आप कैसे अच्छे से अच्छा मार्क्स सिक्योर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले। मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे ओपन कर लीजिए। स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद तुरंत प्रिपरेशन शुरू कर दें। प्रिपेयर करने से क्या होगा बताता हूँ आपको, अगर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। अच्छा मार्क्स मिलेगा तो SUAT में एडमिशन हो जाएगा यानी शारदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। यूनिवर्सिटी मतलब बेहतर यूनिवर्सिटी, उसमें पढ़ाई भी अच्छी होगी, प्लेसमेंट भी अच्छा होगा। प्लेसमेंट मतलब पैकेज अच्छा लगेगा, पैकेज अच्छा मतलब पैसा अच्छा, पैसा अच्छा मतलब फैमिली खुश, फैमिली खुश आप खुश, आप खुश मतलब आगे वाली पीढ़ी खुश। मतलब आपको समझना है, क्रोनोलॉजी को समझिए। ओके, तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि पूरा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के अवेयर रहें, प्रॉपर टाइम टेबल बनाए, स्टडीज का रेगुलरली फॉलो करें, शॉर्ट नोट्स बनाए, उसे रेगुलरली रिवाइज करें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, डाउट्स क्लियर कर लें स्टार्ट एक प्रिपरेशन करने से पहले। सॉल्व करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर्स, हेल्दी खाना खाएं, फिट रहें, रेगुलर वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, फिट रहें, प्रॉपर डाइट करें और योगा भी करें। अब बात कर लेते हैं SUAT 2021 के एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। SUAT के एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा ऑनलाइन मोड में, स्लॉट बुकिंग के बाद ही आप एडमिट कार्ड रिलीज होगा। स्टूडेंट को पहले स्लॉट बुक करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद। स्लॉट बुक जो होता है वो 1st वीक ऑफ दिसंबर 2020 में करते हैं। स्टूडेंट्स जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे ऑनलाइन मोड में, एडमिट कार्ड रिलीज होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको अपना एक आईडी प्रूफ भी लेके जाना, तभी आप एलिजिबल होंगे, तभी आपको अलाउ किया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के लिए। अब बात कर लेते हैं SUAT 2021 के रिजल्ट की। SUAT 2021 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा ऑनलाइन मोड में, सारे स्टूडेंट चेक कर पाएंगे रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे। SUAT का जो रिजल्ट है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो गया उसे आप चेक कर सकते हैं अपने यूजर आईडी पासवर्ड का यूज करके। रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा वो 2nd वीक ऑफ जून 2021 में रिलीज होगा। अथॉरिटी जो है वो रिलीज करेगी स्कोर कार्ड भी, मेरिट लिस्ट भी साथ में। स्टूडेंट जो है वो चेक करेंगे SUAT का रिजल्ट, उसमें रोल नंबर, मार्क्स वगैरह हर एक चीज़ आपको मिला रहेगा। उसके बाद आप काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। और स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि रिजल्ट आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगा, सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ही चेक करना है। अब आप SUAT 2021 की काउंसलिंग के बारे में बात कर लें तो इस सेक्शन में हम लोग काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। SUAT का काउंसलिंग जो है स्टार्ट होगा रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बाद। SUAT का काउंसलिंग 1st वीक ऑफ जून 2021 में स्टार्ट होगा। SUAT का काउंसलिंग जो है कंडक्ट होगा अलग अलग स्टेप में, जैसे पर्सनल इंटरव्यू राउंड और ग्रुप डिस्कशन, फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। स्टूडेंट जो है जो भी क्वालिफाई करेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन SUAT के काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे। अगर वो किसी कारण से काउंसलिंग नहीं अटेंड कर पाते हैं तो उनकी सीट जो है वो किसी और स्टूडेंट को दे दी जाएगी। सीट अलॉटमेंट तभी होगा जब आप एंट्रेंस का टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट स्कोर, पीजी PI यानी पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन और सीट की अवेलेबिलिटी के ऊपर सारी चीज़ें होती हैं। स्टूडेंट जो है वो रिपोर्ट करना है आपको सेंटर में टाइम पे, और लेटर के साथ साथ अलॉटमेंट लेटर के साथ साथ आपको एक सेंटर पे अपलोड करना है यूनिवर्सिटी के अंदर। अलॉटमेंट लेटर जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेके जाना है वेरिफिकेशन पर्पज के लिए काउंसलिंग के वक्त, जैसे 10th और 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट स्लिप, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, SUAT का स्कोर कार्ड और रिजल्ट, आईडी प्रूफ, SUAT का एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो अपना नाम, आपका ईमेल
आईडी, यहाँ पे कमेंट लिखना है आपको, और वहाँ पे सबमिट कमेंट यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका सबमिट पब्लिश कमेंट जो है पब्लिश हो जाएगा। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपने बुकमार्क नहीं किया इस पेज को तो बुकमार्क कर लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे ओपन करना है जरूरी। और गेट कॉल बैक पर आपने क्लिक नहीं किया, अगर अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा था तो जरूर भर लीजिए, बिकॉज आपको SMS, ईमेल और कॉल भी आ जाएगा, एडमिशन से रिलेटेड सारी हेल्प की जाएगी। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके सारी डाउट्स को क्लियर किया रहेगा। ऐसी वीडियोज़ अगर आपको फ्यूचर में भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे ओपन करना जरूरी है, टाइम पे आपको चेक करना हर एक चीज़। ओके, थैंक यू सो मच।